हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज चावला है। मैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड में रहता हूँ, एक क्रिकेट कोच हूँ। टीम स्पोर्ट के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरे दोस्त मनीष ने मुझे एक वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैंने ये वीडियो तैयार किया उन बच्चों के लिए जो अभी लॉकडाउन में हैं या अभी लॉकडाउन से बाहर आए हैं और बाहर निकल के थोड़ा स्पोर्ट्स में, थोड़ा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मेरी उन बच्चों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, सरकार की जो निर्देश हैं उनका प्लीज पालन करें। अगर उन्होंने अभी कहा कि घर पर रहें तो प्लीज घर पर ही रहें। मेरे को पता है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग है बच्चों के लिए घर पर बंद रहना। मैं भी अभी 8 हफ्तों के बाद लॉकडाउन से निकला हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग है घर में बंद के रहना उन बच्चों के लिए जो काफी एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में काफी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है उन बच्चों के लिए कि अगर आपको छूट मिली है गवर्नमेंट से बाहर निकलने की और आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक, अभी फिलहाल के लिए कॉन्टेक्ट स्पोर्ट से दूर रहें, टीम स्पोर्ट से दूर रहें, जब तक ये वायरस कम नहीं हो जाता या बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। कम तो हुआ है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप जो है कॉन्टेक्ट स्पोर्ट से और टीम स्पोर्ट से दूर रहें। जैसे क्रिकेट हो गया, सॉकर हो गया, जहां पे आपको हाई फाइव या शेक हैंड या हग करना पड़ता है, सेलिब्रेशन करनी पड़ती है, उन स्पोर्ट्स से फिलहाल के लिए दूर रहें। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, साइकिलिंग हो गया या बाइकिंग हो गया या रनिंग हो गया, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा बिजी रखे जब तक ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता। क्योंकि कोरोना वायरस फैलता है एक से दूसरे इंसान में, जैसे हमको पता है, थोड़ा सा अपने आप को उस चीज से अवॉइड करके रखें, दूर रखें जितना हो सके। और कुछ और चीजों का थोड़ा ध्यान और रखा जा सकता है अपने आप को सेफ करने के लिए, क्योंकि आप अगर सेफ रहेंगे तो ही सभी सेफ रहेंगे। तो अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ एक चीज, जैसे आप बाहर जाके निकल के पार्क में खेलना चाहते हैं तो उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे झूले हैं, जो भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं उन चीजों पे, जहां पे पब्लिक का आना जाना और पब्लिक का हाथ लगना या छूना बहुत फ्रीक्वेंट है, थोड़ा उन चीजों से थोड़ा दूर रहें। अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, हाथ बार बार धोते रहें, अपने पास एक सैनिटाइजर रखें, जैसे ही आप कुछ चीज छूते हैं या आपको लगता है कि यहां से मुझे हो सकता है वायरस, तो अपने पास एक सैनिटाइजर पॉकेट में रखें, तो आप अपने हाथ बार बार साफ करते रहेंगे, बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई खांसी जुकाम या कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं तो जाके डॉक्टर को दिखाएं, अपने घर वालों को बताएं ताकि आपका इलाज हो सके। और अगर आप बाहर कहीं पार्क में हैं और आपको छींक आती है तो अपनी एल्बो में छींके, उससे क्या होगा कि जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी और के ऊपर नहीं जाएंगे और आप दूसरों को भी बीमार करने से बचा सकते हैं और खुद को भी सेफ रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स का, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपके परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे, आपका मोहल्ला स्वस्थ रहेगा, आपका शहर स्वस्थ रहेगा और फिलहाल आपका देश भी स्वस्थ रहेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये तो यही मेरा कहना है, आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।